हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फायर एंड सेफ्टी गाइड में। आज हम इंडियन स्टैंडर्ड 2190/2010 सिलेक्शन इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर कोड ऑफ प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। इंडियन स्टैंडर्ड 2190/2010 सिलेक्शन इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर्स कोड ऑफ प्रैक्टिस। दोस्तों, जो एक्सटिंग्विशर्स है उसका जो रखरखाव पद्धति है उसके अलग अलग ISO स्टैंडर्ड है वो देखने वाले हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो VIS 2010 में पब्लिश किया है। इंडियन स्टैंडर्ड कोड 940/1989 पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर वाटर टाइप गैस कार्ट्रिज स्पेसिफिकेशन। दोस्तों, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर वाटर टाइप जो है उसका ISO स्टैंडर्ड 940 जो 1989 में पब्लिश हुआ था। इंडियन स्टैंडर्ड 1641/1988 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर फायर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग जनरल प्रिंसिपल ऑफ फायर ग्रेडिंग एंड क्लासिफिकेशन। दोस्तों, जो बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन है, जो फायर का श्रेणी पद्धति है, वो पूरा क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जो है वो 1641 इंडियन स्टैंडर्ड में आपको दिया हुआ है जो 1988 में पब्लिश हुआ था। इंडियन स्टैंडर्ड 2171/1999 स्पेसिफिकेशन फॉर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स ड्राई पाउडर कार्ट्रिज टाइप। दोस्तों, ड्राई पाउडर कार्ट्रिज टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका ISO स्टैंडर्ड है 2171 जो 1999 में पब्लिश किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड 2546 जो 1974 में पब्लिश किया था स्पेसिफिकेशन फॉर गैल्वनाइज्ड माइल्ड स्टील फायर बकेट। जो फायर बकेट है उसका ISO स्टैंडर्ड जो है दोस्तों 2546 है। इंडियन स्टैंडर्ड 2878 जो 2004 में पब्लिश किया था जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रॉली माउंटेड एक्सटिंग्विशर है उसके स्पेसिफिकेशन ये स्टैंडर्ड में आपको पूरे डिटेल्स में बताए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड 4308/2003 जो ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है वो जो क्लास बी एंड क्लास सी फायर के पे यूज़ ज़्यादातर किया जाता है, इसके स्पेसिफिकेशन ISO स्टैंडर्ड 4308 में पूरे डिटेल्स में दिए हैं। इंडियन स्टैंडर्ड 486/1986 स्पेसिफिकेशन फॉर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स फॉर एयरक्राफ्ट पार्ट वन हेलन 1211 टाइप। दोस्तों, जो हेलन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है वो एक्चुअली एयरक्राफ्ट में ज़्यादा यूज होता है, तो इसका स्पेसिफिकेशन पूरा 486 ISO स्टैंडर्ड में आपको मिलेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ISO स्टैंडर्ड 4947/2006 में पब्लिश किया हुआ गैस कार्ट्रिज फॉर यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर एंड स्पेसिफिकेशन। जो गैस कार्ट्रिज है दोस्तों जो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है उसका पूरा स्पेसिफिकेशन आपको 4947 जो ISO स्टैंडर्ड है उसमें आपको मिलेगा। इंडियन स्टैंडर्ड 6234/2003 में पब्लिश किया हुआ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर वाटर टाइप स्टोर प्रेशराइज। जो स्टोर प्रेशराइज फायर एक्सटिंग्विशर है दोस्तों उसका स्पेसिफिकेशन ISO स्टैंडर्ड 6234 में आपको डिटेल्स में मिलेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड 7673/2004 में पब्लिश किया हुआ जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है उसका टोटल ग्लोसरी के बारे में पूरा स्पेसिफिकेशन आपको इंडियन स्टैंडर्ड 7673 में आपको मिलेगा। इंडियन स्टैंडर्ड 10204/2001 स्पेसिफिकेशन फॉर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर मैकेनिकल फोम टाइप। जो मैकेनिकल फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है दोस्तों उसका स्पेसिफिकेशन 10204 में आपको डिटेल्स में मिलेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड 8149/1994 फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। जो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है ट्रॉली माउंटेड उसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट ISO स्टैंडर्ड 8149 में आपको मिलेगा। दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड 10658/1999 स्पेसिफिकेशन फॉर हायर कैपेसिटी ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर ट्रॉली माउंटेड।
दोस्तों जो ट्रॉली माउंटेड ट्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर है उसका पूरा स्पेसिफिकेशन आपको इंडियन स्टैंडर्ड 10658 में आपको मिलेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड 11108 1984 में पब्लिश हुआ स्पेसिफिकेशन फॉर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर हैलन 1211 टाइप। जो हैलन 1211 टाइप जो एक्सटिंग्विशर है दोस्तों उसका पूरा स्पेसिफिकेशन आपको 11108 इंडियन स्टैंडर्ड में आपको मिलेगा। इंडियन स्टैंडर्ड 11833 1986 स्पेसिफिकेशन फॉर ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर फॉर मेटल फायर। दोस्तों मेटल फायर के लिए जो ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर है उसका पूरा स्पेसिफिकेशन 11833 इंडियन स्टैंडर्ड में आपको पूरा डिटेल्स में मिलेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड 13385 1992 स्पेसिफिकेशन फॉर फायर एक्सटिंग्विशर 50 लीटर कैपेसिटी व्हील माउंटेड वाटर टाइप गैस कार्ट्रिज। दोस्तों जो 50 लीटर कैपेसिटी का जो फायर एक्सटिंग्विशर है वाटर टाइप गैस कार्ट्रिज वाला, इसका पूरा डिटेल्स इंडियन स्टैंडर्ड 13385 में आपको मिलेगा। इंडियन स्टैंडर्ड 14609 1999 ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो ए और बी क्लास पे यूज़ किया जाता है उसका पूरा स्पेसिफिकेशन आपको इंडियन स्टैंडर्ड 14609 में आपको मिलेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड 14951 2001 फायर एक्सटिंग्विशर 135 लीटर कैपेसिटी केमिकल फोम टाइप स्पेसिफिकेशन। मतलब क्या दोस्तों, जो 135 लीटर कैपेसिटी वाला केमिकल फोम एक्सटिंग्विशर है उसका पूरा स्पेसिफिकेशन आपको इंडियन स्टैंडर्ड 14951 पे मिलेगा। इंडियन स्टैंडर्ड 15397 2003 पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर मैकेनिकल फोम टाइप स्टोर प्रेशराइज फायर एक्सटिंग्विशर। स्टोर प्रेशराइज फायर एक्सटिंग्विशर जो है मैकेनिकल का, उसका पूरा स्पेसिफिकेशन आपको इंडियन स्टैंडर्ड 15397 में मिलेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड 15683 2006 पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर परफॉर्मेंस एंड कंस्ट्रक्शन। दोस्तों जो एक्सटिंग्विशर है पोर्टेबल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर उसका परफॉर्मेंस एंड कंस्ट्रक्शन लाइन में जो यूज़ होता है वो उसका पूरा स्पेसिफिकेशन आपको इंडियन स्टैंडर्ड 15683 में आपको मिलेगा। इंडियन स्टैंडर्ड 14609 1999 ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो एबीसी क्लास पे यूज़ किया जाता है उसका पूरा स्पेसिफिकेशन आपको 14609 इंडियन स्टैंडर्ड में मिलेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड 14951 2001 फायर एक्सटिंग्विशर 135 लीटर कैपेसिटी केमिकल फोम टाइप एक्सटिंग्विशर जो केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है उसका पूरा स्पेसिफिकेशन आपको इंडियन स्टैंडर्ड 14951 में मिलेगा। दोस्तों आज का हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड का जो सेशन था वो पूरा ख़त्म हुआ। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।